हाय फूडीज, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए कुकिंग करते हैं। बच्चों से लेके बड़ों सभी मैक्रोनी पास्ता के दीवाने होते हैं, पर मैदा होने की वजह से इसे बच्चों के लिए अनहेल्दी भी माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग पास्ता को बहुत सारी हरी सब्जियों का यूज़ करके एक हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जो खाने में हेल्दी और टेस्टी भी होगा। तो चलिए हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैक्रोनी लिया है। मैंने काजू शेप वाली मैक्रोनी का यूज़ किया है, आप चाहे तो स्प्रिंग वाले पास्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ता उबालने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी ले लेंगे। पानी में उबाल आते ही हम इसमें एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। पानी में ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि पास्ता पकने के बाद एक दूसरे से चिपके ना। ऑयल को मिक्स करने के बाद हम अपने सारे पास्ते को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबालने के बाद मेरा पास्ता पक चुका है। पास्ता को हमें हल्का कड़ा ही रखना है ताकि ये गल ना जाए। तो अब देखिए मेरा पास्ता पक चुका है, मैंने इसका सारा पानी निकाल के अलग कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए कुछ हरी सब्जियाँ, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अगर आपको जीरा नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। जीरा के लाल होते ही हम अपना कटा हुआ प्याज तेल में डाल देंगे। प्याज के ट्रांसपेरेंट होते ही हम इसमें अपना सारा कटा हुआ गाजर भी डाल देंगे। गाजर को हम प्याज के साथ इसलिए डाल रहे हैं ताकि गाजर पककर थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज और गाजर के नरम होने के बाद शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हमें इन सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। अब जबकि हमारी सब्जियां गल चुकी हैं तो हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। टमाटर डालने के बाद अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। ध्यान रखिएगा हमें सब्जियों को ढकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना सारी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगी। सारी सब्जियां अब लगभग लगभग फ्राई हो चुकी हैं और हल्की हल्की गल भी गई है। सब्जियों के फ्राई होने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक सारी सब्जियों में अच्छे से समा जाए। तो ये देखिए मेरी सारी सब्जियां बहुत अच्छे से गल चुकी है। सारी सब्जियों के अच्छे से गल जाने के बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और पास्ता मसाला डालकर अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको तीखा पास्ता खाना बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप चिली सॉस को स्किप कर सकते हैं। तो अब मेरा पास्ता मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अपना पकाया हुआ मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को डालने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से
मसाला और मैक्रोनी को मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले मैक्रोनी के अंदर अच्छे से समा जाए। तो ये देखिए, मैंने मसाले और मैक्रोनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। तब हमारा मैक्रोनी पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। तो अब आप भी इसे अपने घर पर जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की हमारी टेस्टी रेसिपी बनके तैयार है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।